हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू लर्न विद इतिमन। तो आज हम करने वाले हैं क्लास नाइन्थ का चैप्टर नंबर 3, राजस्थान के प्रमुख किसान आंदोलन। तो देखिए, हम लोग अभी तक ये जान चुके हैं कि जिस तरीके से अंग्रेजों ने राजपूत शासकों से संधियां की थी ताकि वो उनकी जो है सहायता करेंगे, ठीक है, और धीरे धीरे जो है वो पूरी शासन व्यवस्था जो है वो अंग्रेजों ने अपने हाथ में ले ली। तो जिस वजह से जो राजा थे वो निरंकुश हो गए और अपनी जनता की ओर उन्होंने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया, क्योंकि अंग्रेजों ने उनसे कह दिया था कि आप लोग जो है वो मजे में अपना जीवन व्यतीत करें, बस खिराज या कर के रूप में जो है वो हमें सालाना देते रहें, ठीक है। तो राजा जो है वो जनता के प्रति निरंकुश हो गए, उनकी ओर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। तो जिस वजह से यहाँ की जो पॉपुलेशन थी वो तो धीरे धीरे बढ़ रही थी, जनसंख्या बढ़ रही थी, और किसानों के पास जो एक खेती जो कि उनका रोजगार का साधन है, धीरे धीरे जो है उनसे उनका जो कर्ज बढ़ता गया, और कर्ज बढ़ने की वजह से उनसे खेती जो है वह भी छीन ली गई। अब उनकी खुद की खेती जो थी वह भी उनके हाथों में नहीं रही, और यदि वह खेती पर कार्य करते तो उन्हें उसके बदले जो है वो बहुत ज़्यादा जो है खर्च देना पड़ता, ठीक है। और जो भी अनाज होता उसका जो है अधिकतर भाग जो है जमींदार जो है वह ले लेता। तो राजा को इन सब बातों का पता ही नहीं था, वह इन सभी चीज़ों से अनजान था। तो इस वजह से किसान जो है यहाँ के आंदोलन करते हैं। तो थोड़ा सा मैंने आपको हल्का सा बताया है, अब चलिए पढ़ते हैं। राजस्थान में ब्रिटिश सरकार के आधिपत्य की स्थापना के बाद यहाँ आर्थिक और सामाजिक परिस्थितियों में परिवर्तन आया। शासक अंग्रेजी संरक्षण के कारण स्वयं को सुरक्षित मानने लगे। तो अंग्रेजों ने संरक्षण उनको प्रदान किया जो शासक थे, तो वो खुद को तो सुरक्षित मानने लगे, लेकिन अपनी किसान जनता जो है उसके प्रति निरंकुश होने लगे, कोई भी ध्यान देना बंद कर दिया। साथ ही अंग्रेजों की नीतियों के कारण जो छोटे छोटे उद्योग धंधे थे, कुटीर उद्योग धंधे बर्बाद होने लगे। भूमि पर आश्रित जनसंख्या का प्रतिशत जो है वह बढ़ने लगा। तो इस वजह से किसानों में असंतोष जो है वो बढ़ने लगा, और इसका कारण होता है किसान आंदोलन। तो सबसे पहले देखिए बिजोलिया किसान आंदोलन। बिजोलिया जो है वो कहाँ है? भीलवाड़ा में। तो बिजोलिया जो वर्तमान में भीलवाड़ा जिले में स्थित है, ठीक है, याद रखें बिजोलिया जो है कहाँ है? भीलवाड़ा जिले में। तो सबसे पहले किसान जो है यहीं पर आंदोलन जो है प्रारंभ करते हैं, और बिजोलिया किसान आंदोलन से सभी लोग जो हैं, बाकी जितने भी क्षेत्रों के लोग जो हैं, किसान जो हैं, वो इनसे प्रेरणा लेते हैं। और सबसे लंबा जो है चलने वाला किसान आंदोलन जो है वो बिजोलिया किसान आंदोलन ही रहा है। लगभग 44 वर्षों तक ये आंदोलन चला। तो उस समय मेवाड़ जो है राज्य जो है वो प्रथम श्रेणी का ठिकाना था। इस जागीर की भौगोलिक बनावट इस प्रकार की थी कि यहाँ के किसान आंदोलन के समय जो है वो बड़ी सुगमता से पड़ोसी सीमावर्ती राज्यों में पलायन कर सकते थे। यहाँ के अधिकांश लोगों का जीवन निर्वाह जो है वो कृषि पर आधारित था। कृषकों में अधिकांश जो है वो धाकड़ जाति के लोग थे। तो बिजोलिया किसान आंदोलन में जो किसान विद्रोह करते हैं तो वह धाकड़ जाति के थे। वे अपने परिश्रम और दक्षता के लिए प्रसिद्ध थे। जाति के रूप में वे संगठित थे और पंचायत व्यवस्था में उनकी दृढ़ निष्ठा थी, ठीक है। 1894 में यहाँ पर राव गोविंद दास, तो ये जागीरदार होता है उस वक्त 1894 में, इसकी मृत्यु के बाद बिजोलिया ठिकाने के जागीरदारों और किसानों के संबंधों में विभिन्न कारणों से कटुता आई। अब जब गोविंद दास जो था यहाँ पर ठिकानेदार था, तब तक तो स्थितियाँ बिल्कुल नॉर्मल थी, ठीक है, लेकिन जैसे ही इसकी मृत्यु हो जाती है, यहाँ पर जो है किसानों के संबंधों में और जागीरदार और किसानों, इन दोनों के संबंध में कटुता आ जाती है। इसका परिणाम जो है क्या निकलता है? बिजोलिया किसान आंदोलन निकलता है, ठीक है। तो यहाँ पर किसान आंदोलन होता है। अब देखिए, जैसे ही गोविंद राज की मृत्यु हो जाती है, उसके बाद जमींदार और किसान दोनों के बीच में कटुता का कारण क्या था? कि जागीरदार जो है वो किसानों के ऊपर जो है अत्यधिक लगान जो है वो लगाने लगा था, ठीक है। वो अपनी भरपाई के लिए किसानों के ऊपर जो है बहुत ज़्यादा कर लगाने लगा था, जिस वजह से किसान जो है वो बहुत परेशान हो गए थे। तो बिजोलिया किसान आंदोलन का अध्ययन जो है वो 3 भागों में किया जा सकता है। प्रथम चरण है 1897 से 1915 तक। तो इस काल में आंदोलन का नेतृत्व जो है वहीं के स्थानीय लोगों द्वारा किया गया। आंदोलन का दूसरा चरण जो है 1915 से प्रारंभ होता है और 1923 तक चला।
आंदोलन का यह काल अत्यंत महत्वपूर्ण था, क्योंकि अब जब आंदोलन के बारे में जो है लोगों को पता लगने लगा, तो बहुत सारे जो है राष्ट्रीय स्तर के योग्य और अनुभवी व्यक्ति जो है इस आंदोलन से जुड़ते हैं और जो है इस आंदोलन को सही तरीके से सही मार्गदर्शन जो है वह देते हैं। अब यह आंदोलन राष्ट्रीय मुख्य धारा से जुड़ गया और तीसरा चरण आंदोलन का पराभव काल था जो 1941 में समाप्त हुआ। तो अब देखिए आंदोलन जो है वो प्रारंभ कब से होता है, 1897 से प्रारंभ होता है और 1944 तक ये 1941 तक ये चलता है, ठीक है। 1897 ईस्वी में बिजोलिया ठिकाने के हजारों किसान एक मृत्यु भोज के अवसर पर गिरधरपुरा गांव में एकत्रित हुए। तो यहाँ से कहानी जो है वो स्टार्ट होती है कि जो बिजोलिया ठिकाने के बहुत सारे किसान जो है परेशान थे जागीरदार से, तो किसी के जो है मृत्यु भोज के अवसर पर गिरधरपुरा गांव में इकट्ठा होते हैं। तो सभी जो है वो बैठकर अपनी अपनी जो है वो परेशानियां व्यक्त करते हैं कि किस तरीके से जागीरदार जो है वो हमसे अत्यधिक लगान या कर जो है वो वसूल कर रहा है, तो इस पर हमें क्या करना चाहिए। हमें जो है यहाँ के जो शासक हैं राजा जो हैं उनको इस चीज़ का पता नहीं है, यदि तो हमें उन तक बात पहुँचानी चाहिए। तो यहाँ ठिकाने के अत्याचार और शोषण से संतृप्त किसानों ने एक दूसरे से विचार विमर्श किया और निर्णय लिया कि उनके प्रतिनिधि उदयपुर जाकर महाराणा फतेह सिंह से भेंट कर न्याय के लिए पुकार करें, ठीक है। तो यहाँ पर किंतु इस पुकार का कोई परिणाम नहीं निकला। तो यहाँ पर जो सभी किसान इकट्ठे होकर ये सोचते हैं कि हम लोग जो हैं उदयपुर जाएंगे और वहाँ के जो महाराणा हैं फतेह सिंह इससे भेंट करेंगे और उन्हें जो है वो अपनी जो भी परेशानी है वो बताएंगे, लेकिन इसका कोई भी परिणाम नहीं निकलता है। रियासती सरकार द्वारा अपनाई गई निष्क्रियता और उदासीनता से बिजोलिया के शासक को किसान विरोधी नीति अपनाने के लिए प्रोत्साहन मिला। बिजोलिया जागीरदार का किसान पहले से ही विभिन्न प्रकार की लागों की बोझ से दबा हुआ था, अब 1903 में राव कृष्ण सिंह नया जागीरदार बनता है, तो ये बिजोलिया अंचल में एक नया कर जो है वो चवरी कर लगा देता है, ठीक है। हर व्यक्ति को अपनी लड़की के विवाह के अवसर पर 13 रुपए या कुछ साक्ष्यों के 5 रुपए, यानी कि 13 रुपए भी आपको मिलेगा एग्जाम में, हो सकता है कि आपको जो है 5 रुपए भी मिले, दोनों ही याद रखें, ठीक है। पूछा जा सकता है चवरी कर जो है वह क्या है, तो चवरी कर क्या है कि हर व्यक्ति को अपनी लड़की के विवाह पर 13 रुपए या 5 रुपए जो है ठिकाने में जमा करवाने होंगे, उसके बाद ही वह अपनी कन्या का विवाह कर सकता है। फिर वर के लिए राव साहब के समक्ष उपस्थित होकर नतमस्तक हो आशीर्वाद प्राप्त करना आवश्यक था। इसे अपमानजनक कर के लागू करने पर किसानों में रोष व्याप्त होना स्वाभाविक था। तो अब देखिए, एक तो वो अपनी कन्या का विवाह कर रहा है तो उसका खर्च तो पहले से ही इतना अधिक है, ऊपर से उस समय के 13 रुपए या फिर जो 5 रुपए हैं वो भी बहुत ज्यादा थे, ठीक है। इतना ही नहीं कि जो वर के लिए जो है राव साहब के यानी जागीरदार जो है उसके समक्ष जो है नतमस्तक होकर आशीर्वाद प्राप्त करना भी आवश्यक था, तो इस वजह से किसानों में रोष जो है वह व्याप्त होना स्वाभाविक था। किसानों ने इसका मूक विरोध किया, उन्होंने 2 वर्षों तक क्या किया, अपनी कन्याओं का विवाह ही नहीं किया। तो इसके बाद राव ने कुछ नाम मात्र जो है रियायतें दी। अब राव को क्या लगने लगा कि ये लोग कन्याओं का विवाह ही नहीं करेंगे, कर जो है जो थोड़ा बहुत आना था वो भी नहीं आएगा, तो थोड़े से जो कर थे उन पर उसने रियायतें दे दी। लेकिन संतुष्ट होने की बजाय किसानों को अपनी शक्ति का एहसास हो गया। अब किसानों को ये लगने लगा कि यदि हम इसी तरीके से इन करों का विरोध करेंगे तो हमारे लिए ये सही रहेगा। तो यहाँ पर किसानों को कुछ जो है वो अपनी जो पावर थी उसका एहसास हो जाता है। फिर 1906 में राव कृष्ण सिंह का जो है वो निसंतान देहांत हो गया, कोई भी पुत्र नहीं था उसका और उसकी जो है मृत्यु हो जाती है। उसके स्थान पर उसका एक निकट संबंधी जो है पृथ्वी सिंह बिजोलिया का स्वामी बन जाता है। अब राव कृष्ण सिंह के बाद जो नया जागीरदार बना वो कौन था, पृथ्वी सिंह। उसने मेवाड़ राज्य द्वारा नए जागीरदार से तलवार बंधाई के रूप में ली गई रकम का भार जनता पर डाल दिया। तो जो कृष्ण सिंह था उसने कौन सा कर लगा दिया था, नया चवरी कर, ठीक है, जिसमें अपनी कन्या के विवाह पर कुछ रकम जो है वह जमा करानी होगी।
और यहां पर तलवार बंधाई कर कौन लगाता है? पृथ्वी सिंह। ये याद रखिए। किसानों ने जब इसका विरोध किया तो स्थानीय शासक ने किसान आंदोलन से जुड़े व्यक्तियों के विरुद्ध सख्ती का रुख अपनाया और दमनकारी नीति का अनुसरण किया। तो किसान जो नेता है यहाँ पर, अब नेता कौन बनते हैं? साधु सीताराम। साधु सीताराम दास को ठिकाने के पुस्तकालय से सेवा मुक्त कर दिया गया। तो ये विरोध में खड़े होते हैं, जिस वजह से ठिकाने के जो लाइब्रेरी है उसमें से इसको यहाँ से हटा दिया जाता है और अन्य किसान नेताओं को जेल में डाल दिया जाता है। 1914 में राव पृथ्वी सिंह का देहांत हो गया। अब उसका पुत्र जो है वो केसरी सिंह जो है वो छोटा बालक था, अल्पवयस्क था, तो इसीलिए जागीरी प्रशासन जो है वो कोर्ट ऑफ वार्ड यानी महाराणा के नियंत्रण में चली गई। किंतु किसानों को तो फिर भी कोई खास फायदा नहीं हुआ, उनकी हालत तो जैसे के तैसे ही थे। इन हालात में इस प्रकार इस आंदोलन का प्रथम चरण जो है वो पूरा हो जाता है। अब दूसरा चरण जो प्रारंभ होता है तो 1916 में विजय सिंह पथिक, इनका वास्तविक नाम क्या था? भूप सिंह। ठीक है, याद आया होगा आपको, हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था, इस आंदोलन से जुड़ते हैं। और विजय सिंह पथिक में कार्य करने की अपूर्व क्षमता थी। सर्वप्रथम उन्होंने किसानों को सुनियोजित रूप से संगठित किया और आंदोलन को एक व्यवस्थित स्वरूप जो है वो प्रदान किया। उन्होंने बिजोलिया में विद्या प्रचारणी सभा का गठन किया, जिसके तत्वाधान में एक पुस्तकालय, एक पाठशाला और एक अखाड़ा जो है वो चालू किया। ये राजनीतिक गतिविधियों के केंद्र जो है वो बन गए, पाठशाला और अखाड़ा और ये लाइब्रेरी। माणिक्य लाल वर्मा जो इस समय बिजोलिया ठिकाने में एक कर्मचारी के पद पर कार्यरत थे, तो ये विजय सिंह पथिक के संपर्क में आते हैं। जैसे जैसे लोगों को पता लगता जाता है वैसे वैसे जो है इस आंदोलन में जुड़ते जाते हैं। उन्होंने पथिक से प्रभावित होकर ठिकाने की नौकरी से अवकाश ले लिया। तो अब विजय सिंह पथिक भी आ गए और माणिक्यलाल वर्मा जो है वह भी अपनी नौकरी छोड़कर आ गए। उन्होंने पथिक से आजीवन देश सेवा की दीक्षा ली और पथिक के साथ किसानों को संगठित करने के कार्य में जुट गए। इस कार्य में साधु सीताराम दास का भी पथिक को बड़ा सहयोग रहा। विजय सिंह पथिक जो है वो ऊपरमाल क्षेत्र में अत्यधिक जो है वो लोकप्रिय हो गए। वहां के निवासी इन्हें महात्मा जी कहकर संबोधित करते थे। तो ऊपरमाल क्षेत्र के लोग जो हैं इनको क्या कहकर बुलाते? विजय सिंह पथिक को महात्मा जी। उनके आदेशों का पालन करने के लिए भी हमेशा तैयार रहते। पथिक किसानों की दुर्दशा से परिचित हो चुके थे और इस भयावह स्थिति के निवारण हेतु पथिक ने किसान आंदोलन को सक्रिय बनाने का निर्णय लिया। 1917 में हरियाली अमावस के दिन ऊपरमाल पंच बोर्ड के तत्वाधान में क्रांति का बिगुल जो है वो बजाया। विजय सिंह पथिक ने बिजोलिया किसान आंदोलन को राष्ट्रीय स्तर पर लाने और सहयोग दिलवाने के उद्देश्य से प्रताप समाचार पत्र, जिसके संपादक थे गणेश शंकर विद्यार्थी, तो इनसे जो है संपर्क किया कि अब जो ये आंदोलन है ये राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचना चाहिए, जो भी किसान है वो सभी जो है इस चीज को जान ले कि उनके पास जो है वो एक शक्ति है जिसका वो उपयोग करें, बिल्कुल भी दबाव में ना रहें। ठीक है, तो इसके लिए उन्होंने समाचार पत्र जो है उसका सहारा लिया और ये समाचार पत्र जो है वो उस वक्त कानपुर से निकलता था और इसके जो संपादक थे वो कौन थे? गणेश शंकर विद्यार्थी। तो उन्होंने अपने पत्र प्रताप में बिजोलिया आंदोलन के बारे में जो है वह खूब लिखा। इस प्रचार के फलस्वरूप देशवासियों का बिजोलिया किसान आंदोलन की ओर जो है वो ध्यान आकर्षित हुआ। महात्मा गांधी ने भी जब बिजोलिया किसान आंदोलन संबंधी जानकारी प्राप्त करने के उद्देश्य से विजय सिंह को पथिक को जो है बंबई आमंत्रित किया। पथिक ने बिजोलिया के किसानों पर किए जा रहे अत्याचारों का विवरण गांधी जी के समक्ष प्रस्तुत किया, जिससे गांधी जी जो है वो प्रभावित हुए। गांधी जी ने अपने निजी सचिव महादेव भाई को ऊपरमाल के किसानों की स्थिति की जाँच करने के लिए बिजोलिया भेजा। गांधी जी ने इस आशय का एक पत्र जो है वो महाराणा को भी लिखा। गांधी जी ने बिजोलिया किसान आंदोलन के प्रति नैतिक समर्थन दिया। तो अब देखिए, राष्ट्रीय स्तर पर जो है पहुंचाने वाले बिजोलिया किसान आंदोलन के बारे में किसने पहुंचाया? विजय सिंह पथिक ने, एक समाचार पत्र के द्वारा, और धीरे धीरे ये पूरे ही देश में फैल गई बात।
प्रारंभ में ब्रिटिश सरकार बिजोलिया की आंदोलनकारी किसानों को रियायतें देने के पक्ष में नहीं थी। शने शने स्थिति में परिवर्तन आने लगा, यानी धीरे धीरे जो है स्थिति में परिवर्तन आया। अगस्त 1920 में भारत में महात्मा गांधी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन हुआ, जो 1921 में भयंकर रूप ले चुका था। ऐसी स्थिति में ब्रिटिश सरकार ने निश्चय किया कि बिचौलिया किसान आंदोलन को तुरंत शांत किया जाए। इस उद्देश्य से ब्रिटिश सरकार ने एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया, जिसमें AGG कौन है, रॉबर्ट हॉलैंड, उसके सचिव आगलवी, मेवाड़ के ब्रिटिश रेजिडेंट विल्किंसन, मेवाड़ राज्य के दीवान प्रभास चंद चटर्जी, राज्य के शायर हाकिम बिहारी लाल को रखा। लंबे विचार विमर्श के बाद 11 फरवरी 1922 को ठिकाने और किसान पंचायत के बीच में समझौता हुआ। ठीक है, तो अब जब किसानों ने अपनी शक्ति को पहचाना और आगे आकर जो है वो कार्य करना स्टार्ट किया, और खुद को जो है अपने जितना भी उनको दबाया जा रहा था उनको मानने से इनकार कर दिया, तो क्या हुआ कि ब्रिटिश सरकार ने भी एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया और इस मामले को जो है सुलझाया। तो ठिकाने और किसान पंचायत के बीच में एक समझौता जो है वह संपन्न हुआ। AGG हॉलैंड ने किसानों के पक्ष के औचित्य को स्वीकारा था और समझौते के अनुसार किसानों को अनेक रियायतें दी गई। तो 35 लागें जो है वो समाप्त कर दी गई। ठीक है, लगभग 84 प्रकार की लागतें जो है बिजोलिया किसान आंदोलन में बताते हैं कि जो है यहाँ पर जागीरदार ने लगा रखी थी। 35 लागें जो है वो अब समाप्त हो गई। AGG हॉलैंड ने किसानों के पक्ष के औचित्य को स्वीकारा था, समझौते के अनुसार किसानों को उनकी रियायतें दी गई और लगभग 35 लागें जो है समाप्त कर दी। ठीक है, तो अब किसानों को तो ये लगने लगा कि हाँ अब जो लागतें जो हैं वो समाप्त जो हैं वो लगभग हो ही गई हैं। ठीक है, तो ये आंदोलन जो है वो समाप्त हो गया, लेकिन ऐसा नहीं था। 1922 ईस्वी में आंदोलन जो है वो समाप्त हुआ ऐसा किसानों को लग रहा था, लेकिन जैसे ही असहयोग आंदोलन जो है समाप्त होता है वैसे ही AGG किसानों के साथ जो समझौता हुआ था उसके प्रति उदासीन हो गया। दोबारा से उसने देखना जो है वो बंद कर दिया। अब दोबारा बिजोलिया के जो जागीरदार थे उन्होंने समझौते का उल्लंघन किया और दोबारा से नई लागें जो है लगा दी, लगान की मांग भी बढ़ा दी। 1923 से 26 का समय जो है वो किसानों ने बहुत ही तकलीफ में गुजारा। मार्च 1927 में किसान पंचायत हुई, तो अब राम नारायण चौधरी और माणिक्य लाल वर्मा जो है वो उपस्थित होते हैं। तो ये तीसरा चरण है। पथिक ने किसानों को बारानी, भूमि छोड़ने और अहिंसात्मक साधनों से आंदोलन को जारी रखने का सुझाव दिया, किंतु यह प्रयोग असफल रहा। तो विजय सिंह पथिक जो है वो ये कहते हैं किसानों को कि जो अपनी भूमि जो है वही छोड़ दो, हिंसा मत करो, अहिंसात्मक आंदोलन यदि हम करेंगे तो ये सफल होगा, लेकिन ये जो है प्रयोग असफल रहता है। 20 जुलाई 1931 को सेठ जमनालाल बजाज ने उदयपुर में महाराणा और सर सुखदेव प्रसाद से व्यापक विचार विमर्श किया, जिसके फलस्वरूप जो है वो दोबारा समझौता हुआ। हालांकि उदयपुर ने इसका पालन न किया, किंतु जब मेवाड़ प्रजामंडल आंदोलन का व्यापक प्रसार हो रहा था तो इस भय से कि किसान प्रजामंडल से न जुड़ जाएं कुछ पहल जो है वो आवश्यक थी। 1941 में मेवाड़ के दीवान टी विजय राघवाचार्य, इम्पोर्टेंट है याद रखें कि 1941 में जो है मेवाड़ के दीवान हैं टी विजय राघवाचार्य, तो इन्होंने राजस्व मंत्री डॉक्टर मोहन सिंह मेहता को जो है बिजोलिया भेजा, जिन्होंने किसान नेताओं और अन्य नेताओं से बातचीत करके किसानों की समस्या का समाधान करवाया और किसानों को उनकी जमीनें वापस दिलवाई। तो इस प्रकार ये आंदोलन समाप्त होता है। तो 1941 में जाकर जो है बिजोलिया किसान आंदोलन समाप्त होता है, और बिजोलिया किसान आंदोलन से जो है वो जगह जगह के जो किसान जो है इनसे प्रेरणा लेते हैं, और वहां भी उनमें जो है वो जागरूकता आती है कि अब हम अपने हक के लिए जो है लड़ेंगे। तो यहाँ पर जो है वो आप याद रखेंगे कि सबसे पहले जो है राजस्थान में किसान आंदोलन जो है वो बिजोलिया आंदोलन से ही माना जाता है। 44 साल तक जो है ये आंदोलन चलता है, बिजोलिया
कहाँ पर? भीलवाड़ा जिले में, ठीक है, उस वक्त मेवाड़ में। और धाकड़ जाति के जो किसान थे वो यहाँ पर बिजोलिया किसान आंदोलन में थे, ठीक है। सबसे पहले जो है यहाँ जो आम जनता जो थी, आम किसान जो थे, वो सबसे पहले इकट्ठा होते हैं और इसके विरुद्ध कार्रवाई करने की सोचते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो 1897 में जो है जो गिरधरपुरा गांव जो था वहां पर इकट्ठा होते हैं किसान और सोचते हैं कि महाणा के पास जो है वो हम अपनी शिकायतें लेकर जाएंगे, तो महाराणा जागीरदार को जो है इन लागतों को बढ़ाने के लिए मना कर देगा, ठीक है, और लागतें जो है समाप्त कर दी जाएंगी। लेकिन महाराणा कोई ध्यान नहीं देते हैं। उसके बाद जो कृष्ण सिंह जो है, जैसे ही उसको पता लगता है कि किसान जो है वो मेरी शिकायत लेकर गए हैं, तो वो एक और कर लगा देता है, राव कृष्ण सिंह के द्वारा चवरी कर लगाया जाता है, ठीक है। चवरी कर मैंने आपको बताया जो कि लड़की के विवाह के अवसर पर जो है उनको, किसानों को जो है 13 रुपये या 5 रुपये जो है वो ठिकाने में जमा करने होंगे, ठीक है। तो अब किसानों ने सोचा कि हमारे पास तो वैसे भी धन की कमी है, ठीक है, हमारे तो जो है खाने के वैसे ही लाले पड़ रहे हैं। तो उन्होंने किसान उन्होंने क्या किया, अपनी कन्याओं का विवाह जो है वो 2 साल तक किया ही नहीं। तो अब जागीरदार को ये लगा कि हम मेरे पास जो है वो अब किसी भी प्रकार की लागत जो है ऐसी नहीं आएगी, तो उसने रियायत दे दी, ठीक है। उसके बाद कृष्ण सिंह की जब मृत्यु हो जाती है तो दूसरा जागीरदार जो है आता है पृथ्वी सिंह, ठीक है। तो पृथ्वी सिंह जो कि उसके रिलेशन में ही था, कृष्ण सिंह जो है उसका कोई संतान नहीं थी। तो 1906 में जो है पृथ्वी सिंह आता है, तो पृथ्वी सिंह तलवार बंधाई कर लगा देता है, ठीक है। तलवार बंधाई कर जो कि राजाओं या जागीरदारों के लिए था वो किसानों पर डाल देता है, ठीक है। उसके बाद जो है उसी वक्त जो है साधु सीताराम जो है यहाँ पर किसानों से मिलते हैं और क्या करते हैं, वो किसानों के साथ हो जाते हैं। तो पृथ्वी सिंह, उसका जो पुत्र था वो बहुत ही ज़्यादा छोटा था, तो जो उसका बेटा जो था इतना छोटा था, इस वजह से जो जागीरी प्रशासन था वो कहाँ चला जाता है, महाराणा के कंट्रोल में चला जाता है, ठीक है। तो वहाँ पर जो है पहला चरण जो है वो समाप्त हो जाता है। फिर 1916 में विजय सिंह पथिक जो है वो जुड़ते हैं। उसके बाद माणिक्यलाल वर्मा जो है वह भी इस आंदोलन से जुड़ते हैं, किसानों के हित में जो है कार्य करने की सोचते हैं, ठीक है। और विजय सिंह पथिक जिनका एक मित्र था जो कि प्रताप समाचार पत्र का जो संपादक था, गणेश शंकर विद्यार्थी, तो उसको कहते हैं कि समाचार पत्रों के माध्यम से जो यहाँ के किसानों पर जो अत्याचार हो रहा है उसको राष्ट्रीय स्तर पर पहुँचाया जाए, सभी को जो है इस बात का पता लगे, ठीक है। तो समाचार पत्र के द्वारा जो है वो हर बात को जो है आगे राष्ट्रीय स्तर पर ले जाया जाता है, गांधी जी को भी पता चलता है, गांधी जी असहयोग आंदोलन जो है करते हैं। और उसके बाद जो है जब बात बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो कुछ रियायतें जो है समाप्त कर दी जाती हैं, ठीक है। जो AGG था उस वक्त हॉलैंड, तो वो 35 प्रकार की लागतें जो है 1920-22 में जो है वो समाप्त कर देता है, ठीक है। तो अब किसान सोचते हैं कि अब जो है वो हमारी समस्या जो है वो सॉल्व हो गई, लेकिन ऐसा नहीं होता है। जो समझौता होता है किसानों और जागीरदारों के बीच में, तो वो धीरे धीरे जो है उससे जो है समझौते के प्रति जो है वो उदासीन हो जाते हैं जो AGG थे, और दोबारा से जो जागीरदार है उन पर फिर से कर लगाने लगता है। तो अब की बार जो है रामनारायण चौधरी और माणिक्यलाल वर्मा जो है जुड़ते हैं, और विजय सिंह पथिक के द्वारा ये कहा जाता है कि किसान जो है वो अपनी भूमि को छोड़ दें, अहिंसात्मक आंदोलन करें, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं होता है, ठीक है। फिर उसके बाद जो है जमना लाल बजाज, इन्होंने उदयपुर में महाराणा और सर सुखदेव प्रसाद से जो है वो बहुत लंबे टाइम तक जो है विचार विमर्श करते हैं, समझौता होता है, और इस वजह से ये आंदोलन जो है 1941 में दीवान टी विजय राघवाचार्य ये अपने राजस्व मंत्री डॉक्टर मोहन सिंह मेहता को जो है बिजोलिया भेजते हैं। किसान नेताओं और जो अन्य नेताओं से बातचीत करके किसानों की जो समस्या है उसका समाधान हो जाता है, आंदोलन जो समाप्त हो जाता है, किसानों को उनकी जमीनें जो है वापस दे दी जाती है। तो इस तरीके से ये बिजोलिया किसान आंदोलन जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और आपके किसी भी एग्जाम में ये पूछा ही जाता है, ठीक है, क्योंकि इसी से प्रेरणा लेकर जो है वो बेंगू किसान आंदोलन होता है, बूंदी किसान आंदोलन होता है, और उसके बाद अलवर निमूचना किसान आंदोलन, जो भी हम किसान आंदोलन जो इनके बाद देखते हैं वो सभी प्रेरणा लेते हैं बिजोलिया किसान आंदोलन से। सबसे लंबा चलने वाला आंदोलन जो है किसान आंदोलन बिजोलिया किसान आंदोलन रहा है। तो
तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम यहाँ से पढ़ेंगे बेंगू किसान आंदोलन 1921 ईस्वी में। तब तक आप इसको रिवाइज करिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। थैंक यू।